स्टूडेंट्स तुमको बहुत बहुत स्वागत इंडियसन नुआ वीडियो रे। तो देखो आमे एक्सरसाइज 9 एफ रो सॉल्यूशन करथले जो थ्री मु क्वेश्चन 1 रो सॉल्यूशन लास्ट वीडियो रे कर देछि। तो चलो आज क्वेश्चन नंबर 2 रो सॉल्यूशंस करिबा। तो देखो एठी हमरो चारटा क्वेश्चन अछि। तो चलो फर्स्ट 1 बाय 1 सब क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन तुमको सिखेबी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमरो देछि 2x + 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 रो स्क्वायर dx एटा हमरो क्वेश्चन अछि। तो या केमिति करबा देखो ए क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन तमे फर्स्ट देखि परुचो दिस इज ए रेशनल फंक्शन आ ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी अछि आ डिनोमिनेटर फैक्टराइज भी हे कि अछि। तो ताहले हमें एठी हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करि परबा। तो पार्शियल फ्रैक्शन यार कोन होबो 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 रो स्क्वायर। तो एठी देखि परुच लीनियर फैक्टर रिपीट हे कि अछि। तो लीनियर फैक्टर रिपीट हे कि थिले कोन थिला ता टाइप a बाय x प्लस 3 लीनियर फैक्टर देन b बाय कोन x प्लस 3 रो स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक अछि एटा हमें टाइप सब पढ़ी सारी छु। तो एठी पुनी हमें एलसीएम नै जिवो मु डायरेक्टली लिखि दउ छी एलसीएम नै कि हमें जदि डिनोमिनेटर को कैंसिल करबा तो ये आसीबो हमरो a into x plus 3 plus b एति की आसीबो। देखो एटी हमरो राइट हैंड साइड रे की आसीबो x plus 3 रो होल स्क्वायर से आसीबो जदी a into x plus 3 plus b हि जिवो। तो ये हि गला तापरे एबे हमें याकु कोण करबा इक्वेशन 1 दे देबा। इक्वेशन 1 देला पर एबे नेक्स्ट a b वैल्यू फाइंड करबा। तो देखो x मु केते पुट करबि जानि परुचो -3 पुट कले ई पाखर 0 हि जिवो। तो ताले b रो वैल्यू आसी जिवो। तो चलो ताले पुट करबा put x equal to minus 3 in equation 1 we have कौन मिलिबा देखो जदी minus 3 यूज करिबा तो यही जो minus 6 plus 9 so minus 6 plus 9 that means 3 हब ये पटे तापर ये हब 0 a into 0 this is first term 0 ही जिबा so b equal to आमरो केते आसी जिबा 3 b equal to केते ही जिबा 3। बट एठी देखो आउ आमे किछि पुट करी कि जहा कले भी ए वैल्यू फाइंड करी परिबानी बिकॉज बी पाखरे किछि फैक्टर ही नाही। तो ताहले आमे पुटिंग टेक्निक रे एथरे बी वैल्यू फाइंड करी हेबोनी। तो मु कहितली तमको जदि पुटिंग टेक्निक काम करिबोनी ताहले आमे कोन करबा सेठी इक्वेटिंग टेक्निक यूज करबा। तो इक्वेटिंग टेक्निक कोन थिला फर्स्ट आमे जो हमर इक्वेशन 1 अछि सेठी सब ब्रैकेट ओपन कर दबा ax + 3a + b। ठीक अछि तापर एबे कोन करी मु इक्वेटिंग करबि मते कहार वैल्यू दरकार बी वैल्यू आसी जाइ छि एबे ए रो वैल्यू दरकार। तो देखि परचो एक्स रो कोफिशिएंट एठी की अछि ए एपटे एक्स रो कोफिशिएंट की अछि 2। तो ताहले आमे जदि लेखिबा एठी इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स in the above equation we have कौन मिलिबा हमकु we have हम a केते पाई जिबा एटी देखि परचो x रो कोफिशिएंट a एपट x रो कोफिशिएंट 2 सो a इक्वल टू केते मिलि जिबा 2। ताहले हमरो जो थिला ए स्टेप ए बे केते लिखि परिबा 2x + 9 डिवाइडेड बाय x + 3 रो होल स्क्वायर इक्वल टू ए हमरो केते आसी 2 सो 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड व्हाट इज बी बी इज आवर 3 सो 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 रो होल स्क्वायर। बुझी उची हैला बहुत इजी। एबे कोन करबा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जदि करबा ये हेबो 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 रो स्क्वायर dx एटी 2 सामना को आसी जिवो बाकी केते रहिबो dx बाय x प्लस 3। ठीक अछि सेठी पुनी देखो 3 सामना को आसी जिवो बाकी की रहिबो dx बाय x प्लस 3 रो होल स्क्वायर dx बाय x प्लस 3 रो होल स्क्वायर। तो ये केते हि जिवो 2 into ln x प्लस 3 हि जिवो आ तार तमे जानिचो 1 बाय t स्क्वायर इंटीग्रेशन केते हुए दैट इज माइनस 1 बाय t हुए। तो एठी ताले हमें एठी डायरेक्टली मु लिखि दे परियो और 1 बाय x स्क्वायर इंटीग्रेशन दैट इज माइनस 1 बाय x। तो एठी जीव यार इंटीग्रेशन माइनस 3 बाय केते x प्लस 3। बुझी परचो ना इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन तो जानिबा कथा बिकॉज़
ଏଇଟା କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କଲି ବୁଝିହେଲା ନା, 1 ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ସ କ'ଣ ହୁଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଡି ଏକ୍ସ, ତ ତାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ କଲେ କେତେ ହୁଏ, ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ ଏକ୍ସ, ସେ ବି ତ ସେଇଭଳି ଅଛି 1 ବାଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର, ଖାଲି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କି ଅଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3 ର ସ୍କୋୟାର, ସୋ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ ଏକ୍ସ ମିନ୍ସ ମାଇନସ୍ 1 ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 3। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଇର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ତାହେଲେ ଯଦି ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ କରିବା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି। क्वेश्चन नंबर सेकंड आई देख, सेकंड आई क्वेश्चन कौन अच्छी से भी इजी क्वेश्चन से 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 रो होल स्क्वायर डीएक्स ये अच्छी हला। तो केमिति करिबा देख, देखी पार्छ ये गोटे प्रॉपर फ्रैक्शन अच्छी ଆଉ ଡିନୋମିନେଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ ହେଇକି ବି ଅଛି। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ପାର୍ସିଆଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସୋ ପାର୍ସିଆଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ ୟାର, 5x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ x ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଲିନିୟର ଗୋଟେ ରିପିଟ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ଲିନିୟର ଅଛି, ସୋ ଏ ବାଇ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ହେଲା। ତାପରେ ରିପିଟ୍ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେ, ରିପିଟ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି କିଏ ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ବି ବାଇ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2, ଦେନ୍ ରିପିଟ୍, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସ ସି ବାଇ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଏଠି ଆମକୁ ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଏକ ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଲ୍ସିଏମ୍ ତୁମେ ନେଇଯିବ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ତାପରେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ମୁଁ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଆସିଯିବ, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଆସିବ ହେଲା। ତ ତମେ ନିଜେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଡିନୋମିନେଟର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କ'ଣ ଡିନୋମିନେଟର ସେମ୍ ଥିବ, ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବା ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ଆସିବ। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଦେଲି, ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଆମେ ଏ ବି ସି ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା, କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଟ୍ କରିବା। ତ ପୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 2 ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା 0 ହେଇଗଲେ, ଦିସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ 0, ଏଠି ବି ଯଦି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 2 ପୁଟ୍ କରିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ବି 0 ହେବ, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ରହିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ କରିବା, ମାଇନସ୍ 2, ତ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ରହିଗଲେ ସି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ 2 ପୁଟ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଯଦି ମାଇନସ୍ 2 ୟୁଜ୍ କରିବା, ମାଇନସ୍ 2 ର ସ୍କୋୟାର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 4, ସୋ 4 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଜ୍ 20, 20 ମାଇନସ୍ 8, 20 ମାଇନସ୍ 8 ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 12, 12 ପ୍ଲସ୍ 4 ଦେଟ୍ ଇଜ୍ 16, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତେ ଆସିଯିବ, 16 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖିଲି। ଏ ଦୁଇଟା ତ 0 ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ ଯଦି ମାଇନସ୍ 2 ୟୁଜ୍ କରିବା, ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ରହିବ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇନସ୍ 4 ସି ହେବ। ସୋ ସେଠୁ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମିଳିଯିବ ମାଇନସ୍ 4 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 2 ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଲେଖିଦେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା 2, ପୁଟ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1। ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯଦି 2 ପୁଟ୍ କରିବା, ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ମ 0 ହେଇଯିବ, ସେଇ ଟର୍ମ 0 ହେବ, ଏଇ ଟର୍ମ ଖାଲି ରହିବ। ତ ତାହେଲେ ଏଠି 2 ୟୁଜ୍ କଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 20, ଦିସ୍ ଇଜ୍ 8, 28 ପ୍ଲସ୍ 4 ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଏ ଆସିଯିବ ଆମର 32 ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା। ତ ଏଠି 2 ୟୁଜ୍ କଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 4, 16 ହେବ, 16 ଏ, ସୋ ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ଆସିଯିବ 2 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା, ସି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ବି ପୁଟ୍ କରିକି ଯାହା କଲେ ବି ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିପାରିବନି, ବିକଜ୍ ବି ପାଖରେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ଦୁଇଟା ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ତ 2 ଥରେ ପୁଟ୍ କରିସାରିଛୁ, ମାଇନସ୍ 2 ବି ପୁଟ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ପୁଟ୍ କରିପାରିବାନି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ଆଉ ସିର ପାଖର ଫ୍ୟାକ୍ଟର 0 ହେଉଥିବ ଆଉ ବି 0 ହେଉନଥିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇକ୍ୱେଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇକ୍ୱେଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ କ'ଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 5x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ମାଇନସ୍ 4 ବ୍ରେକେଟ୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ରେକେଟ୍ ଓପନ୍ କଲେ ଦେଖ, ଇଏ ହେବ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4 ହେବ, ଆଉ ସେ ଆମର ହେବ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4 ହେବ ସେ, ଆଉ ସେ ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ହେଲା। ଏଠି ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, 5x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4x ପ୍ଲସ୍ 4
रहिला ये एबे देख एठी ए एक्स स्क्वायर अच्छी से बी एक्स स्क्वायर अच्छी ना एक्स स्क्वायर टर्म को पाखरे रखिबा एक्स टर्म को पाखरे रखिबा कांस्टेंट टर्म को पाखरे रखिबा आउ एक्स एक्स स्क्वायर पुनी कॉमन नहीं जीबा तो मु सेटे डायरेक्टली करूची देख एठी ए एक्स स्क्वायर रहिला सेठी बी एक्स स्क्वायर रहिला जदि एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं जीबा ताले ये केते ही जीबा ए प्लस बी इंटु एक्स स्क्वायर बुझेला नेक्स्ट देख तापरे पुनी जदि ए ब्रैकेट ओपन करिबा ये 4ax हबो सेठी पुनी गोटे लास्ट देख cx अछि ताले जदि x कॉमन नै जिबा सो 4a प्लस c इनटु केते हबो x हबो तापरे लास्ट रे हमरा कांस्टेंट रहि जिबो कांस्टेंट किए 4a माइनस 4b माइनस 2c एतकी हबो हला एबे आमे इक्वेटिंग करिबा देख आम पाखरे कहार कार वैल्यू अछि आम पाखरे a वैल्यू अछि आ c वैल्यू अछि तो ओनली ताहले आमु कहार वैल्यू दरकार बी वैल्यू दरकार एठी देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की अछि ए प्लस बी एठी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट की अछि 5 ताहले आमे ए प्लस बी इक्वल टू केते पाई जीवा 5 आ आम पाखरे कहार वैल्यू अछि ए रो वैल्यू सेटी यूज कर देले हमर जो बी वैल्यू दरकार से आसी जीवो तो ओनली ताहले आमे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वेट करी की भी आमे बी रो वैल्यू फाइंड करी परिबा ठीक अछि देखो याकू आमे इक्वेट करी की किछि लाभ नै बिकॉज एक्स रो कोफिशिएंट जदि इक्वेट करिबा आमको गोटे ए सी नहीं कि गोटे इक्वेशन आसीबो जोटा कि आम ए सी ऑलरेडी फाइंड कर सारी सिमिलरली जदि लास्ट कांस्टेंट को इक्वेट करिबा सेठू भी आमर वैल्यू आसी पारिबो बी रो वैल्यू बिकॉज देखि पारछो कांस्टेंट किए माइनस फोर ए माइनस फोर बी माइनस टू सी व्हिच इज इक्वल टू फोर हम सेठी भी तुम कहार वैल्यू ए सी यूज करके बी बाहर करिपारिबो हला जो भी हो गोटे नहीं कि करदेव जमी कि एमती करिबो जेमिति आम पाखरे जहाँ वैल्यू थिबो तार आमे यूज करि पारुथबा एटी आम पाखरे ए सी अछि त मु ताकु यूज करिकि ही गोटे इक्वेशन फाइंड करिकि बी वैल्यू फाइंड करिया पई चाहुचि तो देखो एठी मु कोन कलि एबे कोन करिबी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को इक्वेट करिबी त लेखिबी एठी इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दि एवव इक्वेशन बाकी सब इक्वेट करवा कि नेसेसरी नुह बिकज आम वैल्यू सब फाइंड कर सारी कांस्टेंट ओनली गोटे कांस्टेंट ही बाहर करवा तो ये लिखिपर ए प्लस बी इक्वल टू 5 ए प्लस बी के लिखिपर 5 एंड ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ ए ए आम पाखे के 2 ताल लिखिपर 2 प्लस बी इक्वल टू 5 ठीक अच्छे सो दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू आम के 3 बी रैल्यू 3 मिलगला ताले ताकु एठी आमे यूज कर दबा तो यूज कले देखो केते हि जिबा बे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय केते x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 रो स्क्वायर x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 रो स्क्वायर इक्वल टू ए ए हमरो केते थिला 2 सो 2 डिवाइडेड बाय केते लिखिबी एक्स माइनस 2 ए वैल्यू यूज कली ए वैल्यू देन बी आमर केते 3 सो आमे लिखिबा प्लस 3 बाय केते एक्स प्लस 2 ठीक अछि नेक्स्ट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी सी इज आवर माइनस 4 सो माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 रो स्क्वायर क्लियर एबे देखो नेक्स्ट कोन लिखिबो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बिकॉज यार हमर इंटीग्रेशन दरकार सो इंटीग्रेशन ऑफ केते 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 रो स्क्वायर dx ठीक अछि तो यार इंटीग्रेशन केते हबो 2 तो आसी जीवो बाकी रहिबो ln x माइनस 2 जानिछ तमे नेक्स्ट 3 आसी जीवो बाकी केते रहिबो ln x प्लस 2 नेक्स्ट केते हबो दैट इज माइनस माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 ना एबे करिथिले आगुर गोटे 4 अछि सो 4 बाय केते हबो एक्स प्लस 2 हैला प्लस केते सी ए टाइप रो आमे इंटीग्रेशन करि सारी चुकी हैला तो दिस इज दि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एबे देखो थर्ड आई क्वेश्चन देखो थर्ड आई आउ जदि फोर्थ आई देखिबो दीटा पाखा पाखी सेम क्वेश्चन डिनोमिनेटर रे देखो सेम ही टर्म लेखा आइछि खाली तार न्यूमरेटर अलगा अलगा अछि तो तुम जब थर्ड आई क्वेश्चन बुझीगल ताले फोर्थ क्वेश्चन भी इजिली निजे मुझे हिंट्स देदेवि तुम निजे भी करपर नेक्स्ट तो चलो ताले थर्ड आई क्वेश्चन देखा थर्ड आई क्वेश्चन देख आमर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब
plus x square minus x minus 1 dx. 틱 देखो एबे देखि पारु छ ये गोटे रेशनल फंक्शन तो अछि आ ता संगे संगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी अछि बट एबे हला जो डिनोमिनेटर अछि से डिनोमिनेटर कोन होबा दरकार फैक्टराइज होबा दरकार ताहले ही आमे सेठी कोन करि परिबा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करि परिबा तो एठी देखि पारु छ ये फैक्टराइज हेइनी ताहले चलो या को फैक्टराइज करिबा फैक्टराइज पई कोन करिबा ताहले x2 plus 7x plus 4 देख फैक्टराइज मु करी भी केमिति करी भी देख मु x क्यूब पाखरे कहाँ को रखी देबी माइनस x प्लस एटी पुनी x स्क्वायर माइनस 1 लिखी देबी ठीक अछि एबे देख कोन होबो ये रहिला x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 रहिला एटी देख एबे आमे फैक्टराइज करिया पे मु सेमिति करी छी एटी देख जदी x कॉमन नै जीवा बाकी रहिबो केते x स्क्वायर माइनस 1 ठीक अछि तापर ये देख कोन रहिला पुनी प्लस x स्क्वायर माइनस 1 हला एतकी dx एबे कोन होबो देखो ये ही गला x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय दिस इज x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस 1 ठीक अछि देखो एबे फैक्टराइज ही गला ना बट आ गोटे स्टेप भी कर दबो आउट इजी ही जीवो एठी देखि पार जो गोटे क्वाड्रेटिक फैक्टर अछि गोटे लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर तमे जानि छ टाइप्स मु कहि छि ax प्लस b बाय क्वाड्रेटिक ठीक बट क्वाड्रेटिक यूज करले भी हेबो बट ता अपेक्षा लिनियर प्रिफर करिबा लिनियर रे टिके बेसिक कैलकुलेशन इजी हुए सेति मै लिनियर मु प्रिफर करे तो देखो याको हमें लिनियर फैक्टर कर दे परिबा याको मु लिखि दे परिबी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय याको लिखि दे परिबी x प्लस 1 रो स्क्वायर इनटू x माइनस 1 केमिति लिखली बुझि पाललो केमिति लिखली देखो x स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट दैट इज x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 सो x प्लस 1 इनटू x प्लस 1 इज x प्लस 1 रो स्क्वायर इनटू x माइनस 1 ठीक अछि तो गोटे रो स्क्वायर अछि आ गोटे x माइनस 1 अछि ताहले एबे कोन करि परिबा या को आमे पार्शियल फ्रैक्शन कर दे परिबा पार्शियल फ्रैक्शन कोन होबे यार पार्शियल फ्रैक्शन देखो लेखु छी एठी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 देखो तो एई क्वेश्चन जदी एबे देखिबो एई क्वेश्चन को देखो से सेकंड क्वेश्चन भली ही अछि पूरा सेम अछि देखो एठी खाली थिला x माइनस 2 इनटू x प्लस 2 रो होल स्क्वायर एठी कोन अछि x प्लस 1 रो होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 माने सेही सेम प्रोसेस ही हमें फॉलो करिबा तो देखो एठी x प्लस 1 रो होल स्क्वायर इनटू x माइनस 1 ताले यार कोन होबो फर्स्ट a बाय फर्स्ट लिनियर फैक्टर देखि पारु छ ये अछि प्लस b बाय यार कोन होबो पुनी स्क्वायर x प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस c बाय कोन होबो x माइनस 1 ठीक अछि तापर पुनी एलसीएम नेबो एलसीएम नै कि जदी सिंपलीफाई करिबा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 तापर एठी कोन होबो देखो एपटे आसी जीवो a इनटू x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 प्लस b इनटू हे जीवो ये x माइनस 1 प्लस c इनटू x प्लस 1 रो होल स्क्वायर हला तो ताहले नेक्स्ट स्टेप कोन नेक्स्ट स्टेप आमे ए बी सी वैल्यू फाइंड करूतले तो देखो मु खाली ए बी सी वैल्यू फाइंड कर देबी इंटीग्रेशन तमे निजे करिवो ठीक अछि तो ए बी सी वैल्यू पई देखो आ कोन कोन करिबा एबे पुट एक्स पुट करिबा देखो एक्स इक्वल टू जदी माइनस 1 यूज करिबा कोन होबो पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 कोन होबो देखो माइनस 1 यूज करले दिस इज 1 दिस इज माइनस 7 दिस इज 4 4 प्लस 1 इज 5 5 माइनस 7 इज माइनस 2 ठीक अछि नेक्स्ट x प्लेस रे माइनस 1 यूज करले ये 0 सेठी से भी 0 होबो एठी ये रही जीवो माइनस 2b हला सो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 1 हि जीवो b इक्वल टू 1 हि जीवो नेक्स्ट पुट x इक्वल टू 1 x पुनी 1 यूज करिबा x जदी 1 यूज करिबा कोन होबो देखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 जदी x इक्वल टू 1 यूज करिबा फर्स्ट टर्म 0 सेकंड टर्म 0 लास्ट टर्म रही जीवो तो एठी जदी 1 यूज करिबा दिस इज 1 1 प्लस 7 7 प्लस 1 इज 8 8 प्लस 4 इज दैट इज 12 हला तापर दिस इज 0 सेठी 1 यूज करले 1 प्लस 1 इज 2 2 रो स्क्वायर दैट इज 4c 4c हेबो सो c इक्वल टू हमकु मिली जीवो 3 हला तो ताले b आउ c आसी गला आ गोटे हमकु दरकार a
तो आमे देखि पारछु आ पुट करि कि ए वैल्यू फाइंड करि हबनी तो ताहले आमे याकू पुनी कोन करबा इक्वेटिंग टेक्निक लगेबा तो ता पय हमकू ब्रैकेट ओपन करिया को पड़िबा और ए सब लेखिया को पड़िबा एटा तो ये तो होची हमरो x2 - 1 से हबो b into x minus 1 plus c x plus 1 रो होल स्क्वायर हला x स्क्वायर plus 2x plus 1 ठीक अछि एबे देखो एबे इक्वेशन कोन हबो देखो x स्क्वायर plus 7x plus 4 into a into x स्क्वायर minus 1 अछि तो से पटे देखो x स्क्वायर plus 7x plus 4 रही गला एठी देखो a x स्क्वायर सेठी गोटे c x स्क्वायर अछि ताले हम a plus c into x स्क्वायर लिखि परिबा हला देन तापर कांस्टेंट देखो दिस इज बी सो कांस्टेंट हमर रहइबो बी प्लस 2c इनटू एक्स हला एक्स सब को पाखरे रखि दबो एक्स स्क्वायर सब को पाखरे रखि दबो एक्स स्क्वायर कॉमन नै जइबो एक्स कॉमन नै जइबो आ लास्ट ए कांस्टेंट रखि दबो हला सेही स्टेप करूची मु एठी नेक्स्ट पुनी कोन हबो देखो दिस इज माइनस ए दिस इज माइनस बी एंड दिस इज प्लस सी एटा हि जइबो तो हमर देखो हम पाखरे को वैल्यू अछि बी सी वैल्यू BC वैल्यू आमे यूज करिबा B हो किंबा C हो तार यूज करिके आमे A फाइंड करिया पई चेष्टा करिबा तो देखो एठी तमे लिखि दबो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट देखो x स्क्वायर कोफिशिएंट केते अछि a + c ए पटे x स्क्वायर कोफिशिएंट की अछि 1 तो ताहले आमे a + c इक्वल टू एठी केते लिखि परिबा 1 हला तमे लिखि दबो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द अबव इक्वेशन वी हैव a + c इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c c इज आवर 3 So, C जेहेतु 3, so, आमर A केते हेबो, minus 2 ही जिबो. हला, बुझेला, ताले A, B, C भेलु फाइंड कर देली, ताले एठी पूट करिबो, इंटिग्रेटिंग करी की, एंसर नीचे चेक करिबो. क्लियर? ठीक अछि तो ताले ये आमर क्वेश्चन हे गला, क्वेश्चन नंबर 3rd आई. तो एबे देखो, क्वेश्चन नंबर 4th आई, आई भी, तो से देखो मु एठी याकू जदी चाहू छ नोट डाउन कर दियो हला तो देखो मु एठी लिखि दउ छी फोर्थ क्वेश्चन कोन करबा हिंट्स दे दउ छी तमकु तमे निजे करि परिबो देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ क्वेश्चन को जदी हमें ध्यान देबा से गोटे रेशनल फंक्शन अछि ठीक कथा बट दिस इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन This is not a proper fraction. ए ओटे कौन अच्छी? Improper fraction अच्छी. तो first आम को कौन करिया को पड़ी बा? या को proper fraction ने convert करिया को पड़ी बा. Proper fraction ने केमिती convert करी बा? गोटे तो process हला या को directly सेटी divide करेगी. तो मैं division algorithm use करी बा. पर मु last video रे तो मु को उड़े बढ़िया technique को हितली. Technique कौन को हितली गोटे short trick. जो ठीक ही आमे कौन करी बा? जहाँ denominator अच्छी ताकु आमे ऊपर आनिबा पई चेष्टा करिबा डिनोमिनेटर रे जहा होची सेम टर्म को आमे ऊपर केमिति आनिबो सीटा देखिबा सीटा भी गोटे टेक्निक अछि तो चलो मु एबे शॉर्ट ट्रिक यूज करिबा एठी तमकु डिफिकल्ट हेई पारे तो मु तमकु कहूची जोटा जनरल प्रोसेस सेही प्रोसेस रे कहि दउची जनरल प्रोसेस माने कोन आमे फर्स्ट x स्क्वायर प्लस एटा रॉप रे कर दबो एटा मु जो लेखुची एठी 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 1 याकु फर्स्ट कोन करिबा आमे एथरे डिवाइड कर दबा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एथरे जदी डिवाइड करिबा तो देखो एठी केते जीवो ये x x x नै परिबा x नेले ये केते हि जीवो दिस इज x टू द पावर 4 तापर ये हि जीवो केते हमर x क्यूब तापर ये हि जीवो माइनस x स्क्वायर तापर से हेबो माइनस x ठीक अछि एतकी हेबो दिस इज माइनस दिस इज माइनस दिस इज प्लस ठीक तो ये हि जीवो 2x क्यूब हला से ही जीवो 2x स्क्वायर तापर से ही जीवो x देन हमर कोन हो माइनस 1 हला तापर देखो पुनी हमें 2 नै परिबा तो 2 नेले केते ही जीवो देखो दिस इज 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 हला तो एठी देखो ए दिटा माइनस दिस इज माइनस माइनस कैंसिल ये भी कैंसिल हे गला तो ये दिस इज प्लस सो ये हि जीवो 3x आउ से हेबो 1 हला 3x + 1 ताहले एबे हमरो जो उपरे थिला तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम जोटा कि आमे कोन लेखि परिबा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो ताहले मु एई प्लेस रे केते लेखि परिबी देखो एई प्लेस रे जो न्यूमरेटर रे अछि सेठी मु लेखि परिबी दिस इक्वल टू x क्यूब +
plus x square minus x minus 1 into x plus 2. Then remainder is our 3x plus 1. Bujhi hochi na kono koli? Mu lekhili this equal to eta rough re calculate koli. Eta rough re kordabo. To rough re calculate koriki dekhili. Yaku mu lekhi paribi this into this plus this. ठीक अच्छे तो एटी डिवाइडेड बाय कौन अच्छी पुणी x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इतकी dx क्लियर तापरे अबे याकु कौन करी परिबा हमें डिवाइड कर दे परिबा मुझ सिखे ही चीज़ इटा मुझे इटा कौन करूँ ची इम्प्रॉपर थिला ना प्रॉपर रे कन्वर्ट करूँ ची प्रॉपर रे कन्वर्ट कोला पर ही जाए कि हमें कौन करी परिबा पार्शियल फ्रैक्शन यूज करी परिबा तो एटी डिवाइड कले देखी पार जो फास्ट है तो x प्लस 2 ही जीबो तापरे प्लस कौन हबो 3x plus 1 by x cube plus x square minus x minus 1. इतकी कौन होगा dx. हैला? तो ये देखो अबे this is the integration of यहाँ पर कौन लिखी बो? देखो मु यहाँ कुछ ठीक है erase कर दो ची एक question नॉले erase कर दो ची question number third I. तो ये तापरे कौन ही जी बो देखो इटी integration of x plus 2 dx रही गला plus तापरे कौन रही बो देखो 3x plus 1 divided by केते रही जीबो x cube plus x square minus x minus 1 dx हैला तो एटा तमें देखी पारू जो ए जो second integration एटा तो fast टा करी पारी बो x रो integration this is x square by 2 और 2 रो integration 2x but ए यार integration तो देखो this is a proper fraction आउ एबे देखो तळो जो अच्छी डिनोमिनेटर ताको केमिति फैक्टराइज करिबा हमें क्वेश्चन नंबर 3 सिखिथिले तो तमे याकु फैक्टराइज करिकी देन तमे कोण करिबो पार्शियल फ्रैक्शन निजे यूज करिबो आउ सॉल्यूशन फाइंड करिबो ठीक अछि तो हिंट्स दे देली तमे निजे करो ठीक तो याकु एबे जो करिथिले सेम करिथिले जहा करिथिले पूरा सेम ही रहइबो खाली देखो न्यूमरेटर रे खाली कोण अछि सेथिथिला x2 plus 7x plus 4 एटी खाली न्यूमरेटर रे अछि 3x plus 1 बाकी सेम स्टेप कॉपी करि जइबो जहा जहा थिला पूरा सेम प्रोसेस फॉलो करि जइबो आंसर आसी जइबो यार हला तो ये ताहले हमरा 9 ए प्रो क्वेश्चन नंबर 2 रो सॉल्यूशन हे गला मते लागु छि तमे बुझी पारिथिबो तो ए वीडियो रे एतिकी जो तुमको वीडियो टी भल लागी छी ताले वीडियो टी को लाइक करो आ जदी फर्स्ट टाइम चैनल ले विजिट करछो ताले चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करो तो देखा अपनी नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू.